ऐसे रजोगुण में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, रजोगुण से मैंने अभिमान किया, अभिमान करके अपना प्रभाव दिखाना चाहा, तो ये मुझसे एक अपराध हो गया। तो महाराज आप क्षमा कीजिए। क्यों भाई क्यों क्षमा करें, तुम समझदार हो, ब्रह्मा हो, और इतना बड़ा काम तुमने कर दिया। क्या नहीं महाराज, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माँ हो, माँ बेटे को क्षमा कर देती है। अगर बेटा अपनी माँ के गर्भ में जब रहता है तो अपना पांव हिलाता है, गर्भ शिशु जब बड़ा हो जाता है ना तो उसकी हलचल मालूम पड़ती है माँ को, उसी से पता लगता है कि बालक पनप रहा है, बढ़ रहा है। तो जब वो अपना पैर हिलाता है तो माँ को कष्ट होता है, लेकिन माता उसको अपराध नहीं गिनती, ये तो स्वाभाविक है शिशु के लिए। इसी तरह से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ, उत्क्षेपणम गर्भगत सपादयो किं कल्पते मातु अधोक्षज आगते। हे अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ ये है अक्षज, आंख या इंद्रियों से दिखने वाला जो संसार का ज्ञान है, वो ज्ञान जिस नित्य ज्ञान से नीचे है वो अधोगत है। तो आप मेरी माँ, मुझसे ये ऐसे अपराध हुआ जैसे गर्भस्थ शिशु पैर उछाल के माता को थोड़ा सा कष्ट देता है, लेकिन माता बुरा नहीं मानती है। तो बोले भाई कब से तुम हमारे बेटे बन गए, कब से बेटे बन गए तुम? बोले महाराज आप पर ब्रह्म परमात्मा किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम भूषितम तवापि कुक्षे प्रपनंत। संसार में अस्थि नास्ति शब्द से जो कुछ कहे जाते हैं, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, अस्थि कार्य और नास्ति कारण, जितना भी कार्य कारण कारणात्मक जगत है वो आपके पेट में है। सारे संसार को भगवान अपने भीतर धारण किए हुए हैं, पहले भी और बाद में भी। आप देखिए श्रुति कहती है सदैव सोमेदमग्र आसी एकमेवाद्वितीयम्। हे सोम अग्रे सृष्टे प्राक सत्येव आसी, सृष्टि के पहले केवल सत ही था, एव एव कार्य अनियोगेद, दूसरा कुछ नहीं था। एक मेवाद द्वितीयम सजातीय विजातीय सगत भेद शून्य, एक ही सत सृष्टि के प्रारंभ में था, उसी से ये नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति हुई। तो पहले जगत उनके भीतर था तभी ना उत्पन्न हुआ। जैसे बीज में सूक्ष्म रूप से वृक्ष विद्यमान रहता है, सत्कार्य बात ये माना जाता है कि कार्य कारण में
पहले से रहता है उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जैसे आप देखिए इमली का बीज, इमली के बीज में अगर पानी डाल दें थोड़ी देर के बाद अगर छिलका निकाल के देखें तो दो फांक और वो भी अंकुरित दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक बीज में अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति है और वो जो अंकुर है उसमें सारा वृक्ष पहले से विद्यमान है। धरणी अनिल 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 के संयोग से उस सूक्ष्म में जगत की अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार सत में सारा जगत पहले से विद्यमान रहता है। कोई सत ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, सत ही शिव है। तो शिव की हम लोग पिंडी के रूप में पूजा करते हैं। दो तरह से भगवान की पूजा होती है, एक लिंग और दूसरे वेद। लिंग जो है वो पिंडाकार होता है और वेद भगवान के सांगोपांग होते हैं। तो लिंग रूप में पूजा का विशेष महत्व है। तो ये अंडाकार है, जैसे अंडा का आकार होता है वैसे लिंग का आकार होता है। तो जैसे मोर के अंडे के भीतर मोर का शरीर विद्यमान रहता है, अंडा फूटता है और वो जो शरीर है वो धीरे धीरे फैलता है, फैल के मोर बन जाता है। उसी तरह से सारा जगत सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा के ही भीतर था और वही शिव वही कृष्ण, दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ पिंडी की पूजा होती है, यहाँ शालिग्राम के रूप में होती है। तो शालिग्राम भी पिंडी है, उसमें भगवान विष्णु है। तो सब कुछ संसार का जो कुछ है अस्थि नास्ति के विपदेश से भूषित, क्या आपके पेट में नहीं है? किमस्त दुखे रभ्य अनंतः, सुखी के भीतर नहीं है आपका सब संसार? क्या होगा, हमारे भीतर संसार है, इससे ब्रह्मा आपका क्या लेन देन है? कहते महाराज मैं भी आपका बेटा हूं। क्या प्रमाण है तू हमारा बेटा है? बोले जगत त्रयान्ते जगत त्रयान्तो दधि संप्रबोधे नारायणस्य नारद विरगतो जस प्रतिवांग न वही मृषा किंतु शरत पर न विरगतोस्मी। महाराज ये वाणी है वेद की, ये श्रीमद भागवत भी वेद ही है, इतिहास पुराण पंचम वेद माना जाता है। तो यहां बताया है कि जब तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, अपने शास्त्रों में ये लिखा है कि जैसे दिन और रात होते